हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ICBN रूल्स। इसको बोलते हैं अपने इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ICBN रूल्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी प्लांट का नाम रखते हैं, साइंटिफिक नाम रखते हैं, तो बच्चों कुछ नियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। और वो जो नियम हैं, वो नियम कौन बनाता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक संस्था है ICBN रूल्स, जिनको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। के तहत किसी भी प्लांट का जो नाम है अपने नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, इनको बोलते हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों, कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लांट का अपने नामकरण करते हैं। और बच्चों, कोई भी प्लांट बॉडी हो उसका केवल एक ही नाम होना चाहिए, वो वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ केवल एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है। तो इसलिए उसका जो नाम रखते वक्त ये कुछ नियम्स हैं ICBN रूल्स, इनकी संख्या कितनी है 13। इन नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। बच्चों, सबसे पहला जो रूल है ICBN रूल के अंदर, सबसे पहला जो रूल है वो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाइयां। दूसरा जो नियम है वो है टाइप मेथड, इसको टाइप मेथड के नाम से ही जानते हैं। तीसरा जो नियम है वो है रूल ऑफ वैलिडिटी, यानी वैधता का नियम। बच्चों, जो रूल आपने बनाया है वो मान्य है या नहीं, इसको बोलते हैं रूल ऑफ वैलिडिटी, यानी वैधता का नियम। चौथा जो नियम है रूल ऑफ इफेक्टिविटी, प्रभाविता का नियम, उस नियम का प्रभाव कितना है, वो प्रभावित है या नहीं। पांचवा जो नियम है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत, ठीक है, किस नाम को पहले अपने प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। उसके बाद जो अगला नियम है वो है नोमिना जेनेरिका कंजर्वेडा। बच्चों, वंश नामों का संरक्षण, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, वंश नामों का संरक्षण, नोमिना जेनेरिका कंजर्वेडा। नेक्स्ट जो है लैटिन डायग्नोसिस, लैटिन डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो है वो है साइटेशन ऑफ ऑथर नेम, लेखक का जो नाम है उसको संदर्भ देना, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ ए जेंस या स्पीसीज, ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट। और ग्यारहवां और बारहवां जो नियम है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड है। बच्चों, ग्यारहवां और बारहवां जो नियम है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड है। और जो आखिरी लास्ट जो नियम है वो है रिजेक्शन ऑफ नेम्स, किसी नाम को किस आधार पर रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ नेम। ये बच्चों कुल मिलाकर 13 प्रकार के जो नियम हैं इनको ICBN रूल्स बोलते हैं। इन नियमों को आधार रखकर ध्यान में रखते हुए कोई भी जो लेखक है, साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, किसी भी प्लांट का जो नामकरण कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहला जो नियम है वो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी अपने किसी प्लांट बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको सिस्टमेटिक पोजीशन उसकी लिखते हैं, वर्गीकरण स्थिति लिखते हैं, जिसके बारे में हमें मालूम चल जाता है कि यह प्लांट किस वर्ग से रिलेटेड है, इसका किंगडम कौन सा है। तो बच्चों, सिस्टमेटिक पोजीशन जो है उसके अंदर आप मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा दो है, मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा। बच्चों, टैक्सा का मतलब क्या है, जैसे किंगडम टैक्सा, डिवीजन टैक्सा, सब डिवीजन टैक्सा, क्लास टैक्सा, ये क्या कहलाते हैं, टैक्सा या टैक्सोन इनको बोलते हैं। तो जब भी सिस्टमेटिक पोजीशन किसी भी, बच्चों चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, जब भी सिस्टमेटिक
पोजीशन वर्ग की स्थिति उसकी लिखते हैं तो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, किंगडम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि उस प्लांट का किस से रिलेटेड है, किंगडम लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। डिवीजन के बाद सब डिवीजन, फिर क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। बच्चों ये जो टैक्सोन है ये मेजर टैक्सोन है या मेजर टैक्सा इनको बोलते हैं। और इसके बाद ट्राइब के बाद फिर अपने बात करते हैं जीन्स की, और फिर सब जीन्स, फिर स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, सब वेराइटी। बच्चों जीन्स, सब स्पीसीज और वेराइटी ये जो है ये माइनर टैक्सोन है या माइनर टैक्सा है। सिस्टमेटिक पोजिशन की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। तो बच्चों सिस्टमेटिक पोजिशन लिखने का जो ये ढंग है, तरीका है, वो ये है कि किसी भी प्लांट के बारे में जब अपने लिखते हैं सिस्टमेटिक पोजिशन के अंदर, सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली और फिर जीन्स। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, अपने स्पीसीज लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद फिर ये था यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर अपने बात करते हैं टाइप मेथड और रूल ऑफ वैलिडिटी, रूल ऑफ इफेक्टिविटी। बच्चों यहाँ जो टाइप मेथड है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं अक्सर वो क्या है, एग्जाम के अंदर वन लाइन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स मेथड हैं उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू।